हम लोग अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर या इश्यू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर में हैं। फर्स्ट टाइप पिछले क्लास में हम लोग किए हैं, एंड फर्स्ट टाइप में आपने देखा था कि किस तरह से हम लोग डिवेंचर इश्यू करते हैं, काफी आसान बात था। आज सेकंड टाइप का करेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइप में क्या था, सिर्फ जैसे आप शेयर इश्यू करते हैं वैसे डिवेंचर इश्यू कर रहे थे, वही अलॉटमेंट, वही एप्लीकेशन, वही फाइनल अकाउंट, पॉलिसी एरियर, प्रीमियम, डिस्काउंट, कोई खास बात नहीं था। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ही खास हो गया जो इशू ऑफ शेयर नहीं किए थे, उसके लिए ये बहुत ही खास बात था। आज हम लोग सेकंड टाइप का करने जा रहे हैं। सेकंड टाइप क्या है तो देखेंगे जी। सेकंड टाइप में हम लोग एट द टाइम ऑफ इशू, चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर, लेकिन आज हम लोग देखेंगे एट द टाइम ऑफ इशू क्या जर्नल एंट्री करते हैं और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन क्या जर्नल एंट्री करते हैं। आप लोग सर रिडम्पशन वाले चैप्टर में थोड़ू ना है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा देखना होगा कि अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होता है तब उसका इफेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू में आता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं जरा ध्यान से देखो, समझो, साथ साथ कॉपी भी करना। देखो सेकेंड टाइप जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू। अरे एट द टाइम ऑफ इशू का जर्नल एंट्री क्या होगा, अगर एक मरते में रुपया मांगा जाएगा सिंगल एक मरते में तो बैंक अकाउंट ही यार रुपया आ रहा है टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, 8% 12% तो बैंक अकाउंट ही यार टू 10% डिवेंचर रुपया आ रहा है एट द टाइम ऑफ इशू का जर्नल एंट्री हो गया। रिडम्पशन का मतलब होता है रुपया वापस करना। मैंने आगे ही बताया था कि डिबेंचर का मतलब होता है जब कोई कंपनी पब्लिक से रुपया लेता है, लोन लेता है, डेप्ट करता है तो डिबेंचर बोलते हैं, एंड डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज है वो इंटरेस्ट को डिनोट करता है। जब हम लोग डिबेंचर इश्यू करते हैं तो जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट या टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और जब वापस करेंगे पब्लिक ने आपको लोन दिया तो लोन देने के वक्त कंपनी ने जो जो चीज इशू किया था प्रोस्पेक्टस में, कितने सालों के लिए डिबेंचर इशू किया जा रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल, तो 2 4 5 साल के बाद रुपया वापस करना पड़ेगा ना। तो रिडम्पशन का मतलब होता है जब आप लोन अमाउंट वापस करते हो, रिपेड करते हो, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। किसको दे रहे हो डिबेंचर को, क्या दिया जा रहा है बैंक, यानी इशू ऑफ डिबेंचर का जो जर्नल एंट्री होगा रिडम्पशन के वक्त उसका उल्टा होगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है? अब देखो अगर कोई डिबेंचर हम लोग एट पार पे इशू करते हैं, एट पार मतलब 100, और अगर रिडम्पशन भी 100 पे करते हैं एट पार पे, तब किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 रुपया इशू के वक्त लिख सकते हैं और 100 रुपया आप रिडम्पशन के वक्त कर सकते हैं। ये 100 मान लिए, चलो 100 कर देते हैं, ठीक है ना। इशू हुआ, रिडम्पशन हुआ, दोनों अलग अलग एंट्री, रिडम्पशन का कोई इफेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू नहीं आएगा। अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो क्या आप डिस्काउंट का एंट्री नहीं जानते हैं, यहां पर एक डिस्काउंट आ जाएगा ना, तब यहां पर आ जाएगा 90, क्योंकि रुपया 90 आ रहा है, 10 डिस्काउंट आ जाएगा। है ना, तो डिस्काउंट का एंट्री हम लोग करेंगे, और अगर रिडम्पशन पार में कर रहे हैं तो यहां पर 100 रुपीस ही होगा, यानी रिडम्पशन का कोई इफेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू नहीं आएगा। अब मान लो आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, प्रीमियम होगा तो यहां पर डिस्काउंट वाला बात नहीं आएगा, तब तो 110 रुपया आया, बट डिबेंचर का नाम तो 100 है और 10 रुपया हो गया प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हम लोग कल
डिस्काउंट पार प्रीमियम सब देखे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर रिडम्पशन पार पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ अगर कभी भी कोई भी डिबेंचर एट पार पे रिडम्पशन होता है तो उसका सेपरेट एंट्री होता है, इसका सेपरेट एंट्री होता है, रिडम्पशन का किसी तरह का इफेक्ट यहां पर इशू में नहीं आता है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, इशू कितना में किए, यानी एट पार, एट पार में करेंगे तो ये प्रीमियम वाला बात आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी हम लोगों ने यहां पर 100-100 लिख दिया बट प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है, प्रीमियम पे मतलब कंपनी जब इशू किया था डिबेंचर तो बोला 100 रुपया दो, 100 रुपया के ऊपर 10% तो आपको हम इंटरेस्ट देते रहेंगे, लेकिन जब आपको रिडम्पशन करेंगे तो 100 के जगह 105 रुपया देंगे। अब आप सोचिए तो इन जनरल लाइफ में आप किसी से 1 लाख रुपया लोन लिए, 10% अगर इंटरेस्ट है तो 1 लाख का 10% 10,000, आप हर एक साल अगर ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हर एक साल 10,000 इंटरेस्ट देते गए, और 5 साल के बाद जब रुपया वापस करने गए तो लेने के वक्त अगर आपने उसको प्रॉमिस किया था कि 1 लाख रुपया दो हम 1,05,000 रुपया देंगे, तो एक तरह से ये 5,000 रुपया आपका लॉस है ना, है कि नहीं लॉस है? अरे ठीक है, रुपया उसका यूज किए तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं बट वापस करने के वक्त तो हम 1 लाख ही ना वापस करेंगे। जनरली लोन में क्या होता है, जितना लेते हैं उतना ही वापस करते हैं ना कि ज्यादा करते हैं, उतना ही होता है ना। अगर हम आप किसी से 1 लाख लोन लिए तो कितना वापस करेंगे आप? 1 लाख ही ना करेंगे। फिर वो जो लोन दिया उसका क्या फायदा हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जो भी इंटरेस्ट हम लोग उससे बात किए थे उसको देते जा रहे हैं। बट यहां मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपया में डिबेंचर इशू किया बट जब रिडम्पशन करने जा रहा है तो कितना कर रहा है, तो 5 रुपया का लॉस है कि नहीं? इसीलिए जब यहां पर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो बैंक में 100 रुपया नहीं लिख सकते, कितना लिख सकते हैं, 105 ले रहा है ना, तो 5 रुपया क्या हुआ, प्रीमियम हुआ, इशू नहीं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए यहां पर स्टार बना के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे हैं, जब कभी भी कोई डिबेंचर एट पार पे, एट प्रीमियम पे या एट डिस्काउंट पे इशू होगा बट अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो इसका इफेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू में भी आएगा, इसका इफेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू में भी आएगा। बात आया समझ में? क्या बोला मैंने, मैंने क्या बोला कि अगर कोई डिबेंचर प्रीमियम पे रिडम्पशन होता है तो यह हो गया प्रीमियम में रिडम्पशन का जर्नल एंट्री, 105 रुपया रिडम्पशन का प्रीमियम, इशू का प्रीमियम नहीं, रिडम्पशन का प्रीमियम, टोटल 105 रुपया मैंने बंदे को वापस कर दिया बट इसका इफेक्ट यहां पर आएगा। जो प्रीमियम है वो यहां पर हम लोग एट द टाइम ऑफ इशू में ही लिख देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5, और ये क्रेडिट में 105 हो गया अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए ना, तो यहां पर 5 रुपया हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ये क्या हुआ, लॉस हो गया हमारा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब रियल लाइफ से जोड़ा जोड़ के देखो, हम लोग सोचेंगे अरे 100 रुपया हम ले रहे हैं 105 रुपया देंगे तो 5 रुपया मेरा लॉस हो गया, ये हम किस समय सोच लेंगे, जिस समय इशू किए थे, इसलिए कंपनी यही चीज सोचा, सो आ रहा है 5 रुपया लॉस हो जा रहा है, आ रहा है 100 रुपया, ये क्यों लॉस हो रहा है, तो हम जब रिडम्पशन करेंगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा, कंपनी उसी समय सोच लिया। तो क्या आपने देखा कि जब कभी प्रीमियम पे अगर रिडम्पशन होगा ना तब आप जरूर से पहले रिडम्पशन का जर्नल एंट्री कर लेना, क्योंकि इसका इफेक्ट यहां आएगा, फिर इशू का कर लेना, है कि नहीं। अब जैसे दूसरा देखो, आपने डिस्काउंट पे किया 90 रुपया पे, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, अभी तुरंत आप देखे थे देखो हम बता रहे हैं 90 में किए तो हो गया, बड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट डीआर 90
कल भी देखे थे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 10, मान लेते हैं 10%, ठीक है ना, 2-10% डिवेंचर 100 रुपीज, ये सही है, एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन रिडम्पशन किसके ऊपर हो रहा है? प्रीमियम के ऊपर। अभी मैंने तुरंत बोला था कि अगर कोई डिवेंचर प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा तो उसका इफेक्ट एट द टाइम ऑफ इशू में आएगा। तो यहां पर 110 रुपया हो रहा है, ये 10 रुपया हो गया, हुआ ना 10 रुपया, तो हम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ये जर्नल एंट्री करेंगे, 100 रुपया डिवेंचर का और 10 रुपया प्रीमियम रिडम्पशन का, टोटल 110 रुपया डिवेंचर होल्डर लेगा। अगर आपने उस कंपनी का डिवेंचर लिया है तो आपको कंपनी 110 दिया। अब कंपनी तो उसी समय देख लिया ना कि उसका लॉस बहुत है, 90 का माल 110 में उसको रिडम्पशन करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका इफेक्ट यहां आएगा, क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना। अब देखो क्रेडिट में कितना हो गया, डेबिट में कितना है, इसीलिए ये 10 को 20 बनाना पड़ेगा, 10 को क्या बनाना पड़ेगा, 20, और ये जो डिस्काउंट वर्ड है वो लॉस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लॉस। तब अभी आपने क्या देखा, 5 किस्म का देखा, ऐसा जनरल एंट्री बराबर आता है, ऐसा जनरल एंट्री बराबर आएगा। आइए हम लोग एक दो जनरल एंट्री का सबसे पहले करके देखते हैं, ठीक है ना, अभी करते हैं ना, अभी तुरंत बताएं, सब कुछ क्लियर हो गया, करके देख लो, क्या हर जाए, एक तो से क्लियर नहीं होगा दो ठो कर देंगे। अब लेकिन सर दो से क्लियर नहीं हुआ तो, अरे है क्या, 3 कर देंगे, 4 कर देंगे, जब तक नहीं समझेंगे तब तक करेंगे, टेंशन क्यों लेते हैं। अरे किसी भी चैप्टर में हम थोड़ो ना कम सम बनाते हैं, बहुत ज्यादा बनाते हैं, क्यों, ताकि आप बात को अच्छे ढंग से समझिए। अरे आप यहां समझेंगे तभी तो बनाएंगे एग्जाम्स में,